वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिया गोपालगंज। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिकी में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिकी में गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर्स। मिरर्स का मतलब है दर्पण। दर्पण से अगर तात्पर्य देखे तो अक्सर विद्यार्थी दर्पण मतलब शीशा समझ लेते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। समतल दर्पण को शीशा कहेंगे, लेकिन दर्पण से अगर ताल्लुक रखता है गोलीय दर्पण, तो गोलीय शब्द, गोलीय शब्द किससे आया है? गोला से। या हम बात समझते हैं कि गोला और वृत्त में क्या अंतर है, तब इस परिभाषा को अच्छी तरह हम समझ पाएंगे। वृत्त ये जो सर्किल है ये पूरा पूरा भरा नहीं है, लेकिन गोला में ये पूरा पूरा भरा होता है। तो ये गोलीय दर्पण जो है एक गोले का एक भाग होता है। भाग क्या है? इसको काट दे, एक गोला है जो भरा हुआ है और इसको हम काट दे तो इसकी जो आकृति बनेगा इस प्रकार बनेगा। इसकी आकृति इस प्रकार बनेगा और कटे हुए भाग के एक भाग को कलई कर दे। किसी भाग को हम कलई कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको कलई कर देंगे, या अगर हम चाहे तो इसको भी कलई हम कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि दो इसके परावर्तक सतह हो गए, इसका परावर्तक सतह इधर है और इसका इधर है। तो गोलीय दर्पण गोले का एक आंशिक भाग होता है जिसको काटने पर वह एक परावर्तक सतह के रूप में हो जाए, यानी उस सतह से किरे परावर्तित होने लगे, लौटने लगे, तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। उत्तल, उत्तल माने उठा हुआ, उभरा हुआ। जैसे यह एक गोलीय दर्पण है, अगर इसके हम परावर्तक सतह को कलई कर दे अंदर की तरफ, हम देख रहे हैं कि यह परावर्तक सतह उभरा हुआ है, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर समझे कि उत्तल दर्पण है क्या? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। दूसरा होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो अंदर की तरफ हो, तो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि यह दर्पण के यह परावर्तक सतह है, तो यह परावर्तक सतह क्या हुआ है? अंदर की ओर है, धसा हुआ है। तो धसा हुआ जो दर्पण है उसको अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। परिभाषा है, देखे गोलीय दर्पण, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर्स। यदि एक खोखले गोले में से कुछ भाग काटकर उसके एक तल पर चांदी की कलई कर दी जाए तो उसका गोलीय तल प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। व्हाट इज कॉनकेव मिरर? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण, कॉनवेक्स मिरर। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं।
अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखते हैं कि गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है। ए बी या एक गोलीय दर्पण है तो ए से बी ये ए बी की जितनी ऊंचाई है यानी दर्पण की जितनी ऊंचाई है उस ऊंचाई को यानी ए बी को दर्पण का द्वारा कहते हैं और यह दर्पण गोले की जिस भाग से बना होता है यानी जिस गोले के केंद्र से यह दर्पण बना होता है उस केंद्र को गोलीय दर्पण का केंद्र कहते हैं और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को पी ध्रुव कहते हैं जिससे मुख्य अक्ष गुजरता है। फोकस के यदि कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो परावर्तक सतह से लौटने के बाद वह जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस करते हैं। तो हमने देखा कि द्वारक क्या है, एबी की ऊंचाई यानी दर्पण की ऊंचाई को द्वारक कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु जिससे मुख्य अक्ष जाता है उसे ध्रुव कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आती है परावर्तक सतह से लौटने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं, इसे याप से लिखते हैं। और गोलीय दर्पण के जो केंद्र होता है उसी केंद्र को गोलीय दर्पण का केंद्र कहते हैं। दूसरा चीज देखे फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे याप से लिखा जाता है। और ध्रुव और केंद्र से बीच की दूरी को त्रिज्या वक्ता त्रिज्या कहते हैं जिसे आर से लिखा जाता है। धन्यवाद। गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं। पहला, ध्रुव पोल परावर्तन करने वाले गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल आर से लिखते हैं। द्वारक एपार्चर गोलीय दर्पण के परावर्तक तल की बाहरी वृत्ताकार रेखा की व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ए भी दर्पण का द्वारक है। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है, इसे याप से लिखते हैं। फोकस दूरी फोकल लेंथ गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
इसे एस्माल याब से लिखते हैं। फोकस तल, फोकल प्लेन, फोकस से होकर गुजरने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत समतल को फोकल तल कहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।